दोपहर के बज गए हैं 12 और हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। बहुत अच्छे दिन के साथ आप लोगों का मेरे चैनल में वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो फिलहाल अभी मेरे रूम की क्लीनिंग बाकी है, सब काम हो गया है और कल तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था लंच करने में। हम लोग फ्री हुए तो शाम के 5:30 बज गए थे, तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था। और उसके बाद भी मैं बाहर गई थी। बस कल क्या सीन हो गया ना कि मैं तो मार्केट से 10 कप्स ही लेके आई थी, जैसा कि मैंने बोला था कि 9 लड़कियों के लिए कप्स है और एक पार्थ के लिए लेके आई थी। बट लड़कियां हमारी हो गई यहाँ पे 15 आई थिंक, हाँ सब करके 15 जन हो गए। तो फिर 15 जन के लिए मुझे मार्केट से हेमर को फटाफट से भेजना पड़ा कि जल्दी जाइए आप पहले और एक्स्ट्रा कप्स लेके आइए। तो फिर हेमर मार्केट गए और कप्स लेके आए, तो फिर बहुत ज्यादा मजा आया कल। और छोटे छोटे बच्चों के फेस पे जो स्माइल आती है वो देख के तो बहुत ज्यादा मजा आता है और एक दिल को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो मैं तो अक्सर ऐसे ही बच्चों को खाना खिलाती हूँ घर पे बुला के, तो मुझे अच्छा लगता है। हम लोग भूल गए थे कि हम लोगों ने किस किस को बताया है। मैं तो सडनली भूल ही गई थी क्योंकि एक तरफ मैं काम की प्रिपरेशन सब कर रही थी और दूसरी तरफ वो भी चल रहा था। तो हम लोग भूल गए थे कि कितनी लड़कियों को बोला है हम लोगों ने, और हम लोगों ने बोल दिया था ज्यादा लड़कियों को। मैंने और मेरी जेठानी जी ने हम लोगों ने गिनती की तो 10 हुई थी और एक दो लड़कियों को तो हम भूल ही गए थे कि हम लोगों ने बोला है। तो फिर हो गई थी 15, तो टोटल 15 जन हो गए थे। तो फिर सडनली मैंने 5 कप्स वापस से मंगवा लिए। तो बस इसी तरह से मजा किया कल बहुत ज्यादा, और गर्ल्स को भी आई थिंक बहुत ज्यादा मजा आया था। उन लोगों ने भी भरपेट खाना खाया और यहाँ से जो गिफ्ट्स उन लोगों को मिला उन्हें भी बहुत ज्यादा मजा आया। तो बस इसी तरह से कल का दिन भी चला गया हमारा। तो चलिए आज एक न्यू डे स्टार्ट करती हूँ। और कल हम लोग गए थे राणाबाव आशापुरामा के टेम्पल पे, तो अभी उसकी वीडियो में एड कर रही हूँ, तो आप लोग तब तक वो एंजॉय कीजिए, तब तक मैं कर लेती हूँ मेरे रूम की क्लीनिंग। शाम के बजे है 6:30 और हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी। छोटी छोटी गर्ल्स को तो खाना कप का खिला दिया था और वो तो अपने अपने घर चली गई थी, बट हम लोगों ने लंच किया तो थोड़ा देर हो गया था। पूरा फैमिली साथ बैठ के लंच किया, तो जस्ट अभी फ्री हुई हूँ और अभी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और अभी जा रही हूँ मैं राणाबाव आशापुरामा के टेम्पल पे, जो कि यहाँ से आई थिंक आधे घंटे का रास्ता है और आधे घंटे में वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो फिलहाल मैं वहाँ पे जा रही हूँ अभी हेमल के साथ, हम दोनों वहाँ पे जा रहे हैं मंदिर पे। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे पूजा कर लूंगी, पूजा करने के बाद हम लोग निकलते हैं। तो आज आप लोगों को कराऊंगी राणाबाव में जो है आशापुरामा का टेम्पल, वहाँ के दर्शन। तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। करवाती हूँ आशापुरामा के दर्शन, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा।
दर्शन करवा दिए हैं तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले कभी नहीं आई हूँ, बट मेरा कब से मन था कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो फाइनली आज सडनली प्लान बना। तो मैंने हेमल को बोला कि चलो हम लोग आज जाके आते हैं। तो हेमल ने भी बोला कि हाँ चलो जाके आते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। और आज मेरा नौवां मंगलवार भी था, तो मैंने सोचा कि चलो आज ही होके आते हैं, क्योंकि मैं मंगलवार का आशापुरा माता व्रत करती हूँ। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा मुझे, और यहाँ पे बहुत शांति भी है, मन को बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, बहुत अच्छा ग्राउंड भी है, और यहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद। तो बजे है अभी दोपहर के 4:30, और मैं लंच करके बिल्कुल हो गई हूँ फ्री। और मेरा कमरा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कमरे का। देखिए, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, बट मैंने रूम की क्लीनिंग नहीं की, क्योंकि हेमल को इवेंट पे जाना था। आज वो गए हैं इवेंट पे सवेरे ही, तो उसे जल्दी जल्दी जाना था, तो पहले उसके लिए नाश्ता बना दिया, कि सब सामान को रेडी करके वो गए। उसके बाद से दाम हमारे घर के लंच की तैयारी में लग गई। तो लंच बनाने के बाद लंच करके अब भी फ्री हुई हूँ, और अब सोच रही हूँ कि हेमल भी नहीं है, वो इवेंट पे गए हैं, तो आज रूम की वापस से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। मुझे मेरे बेड के जो अंदर एक्स्ट्रा सामान है, तो यूज़ कभी नहीं होता है, तो उस सब एक्स्ट्रा सामान को आज निकाल रही हूँ और अच्छी तरह से क्लीनिंग कर देती हूँ लोगों को थोड़ी देर बाद। तब तक बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। आपके बज गए हैं 9:30, और फाइनली मेरा रूम बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, और बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है रूम में से। तो दिखा देती हूँ, पूरा रूम मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है, यहाँ पे सब चीज़ें भी, यहाँ पे भी सब क्लीनिंग हो गई है, पूरा रूम अच्छी तरह से क्लीन हो गया है, और अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितने दिनों से मुझे क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीनिंग तो थोड़ी बहुत करती रहती हूँ संडे को, बट बहुत ज़्यादा सब निकाल के साफ सफाई करनी थी, तो आज पूरा सामान निकाल के अच्छी तरह से साफ सफाई हो गई है। फिलहाल अभी जाऊँगी डिनर, थोड़ा बहुत बना के डिनर करूँगी, क्योंकि हेमल तो है नहीं, वो तो इवेंट पे गए हैं, तो मुझे ही डिनर करना है। तो कोमल भाभी आ गए हैं, तो हम लोग कुछ बनाएंगे और खाएंगे, तो डिनर करेंगे, और उसके बाद सीधा बैठूंगी एडिटिंग पे। सो गाइस, आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज बहुत ज़्यादा बिजी डे था, पता नहीं कहाँ दिन चला गया। और कल मैं राणावाव गई थी आशापुरमा के टेम्पल पे, तो वो भी वहाँ के भी मैंने आप लोगों को दर्शन कराए। तो कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी चैनल को, जो लोग नए देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरी चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए सबको टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।